आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट डीपीपी को। ये डीपीपी आपको प्रोवाइड करी गई है लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5 के बाद। अगर अभी तक आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लीज जाकर लेक्चर्स को देखकर आए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। आज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की फर्स्ट डीपीपी को। ये डीपीपी आपको प्रोवाइड करी गई है लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5 के बाद। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो प्लीज जाकर लेक्चर्स को देखकर आए। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ साथ बाकी सारी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ इनिशियल रेट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट लो फॉर द रिएक्शन। हमें कोई रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए हमें क्या करना है, रेट लो निकाल के देखना। अब इसका इनिशियल रेट डिटरमाइन करने के लिए पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में आपको एक पूरा डाटा दे रहा है। इस डाटा से आपको रेट लो निकालना है, तो कैसे निकालोगे? देखो, लेट करो, ये आपका फर्स्ट ट्रायल है, ये सेकंड ट्रायल है एंड ये थर्ड ट्रायल है। सो आप रेट को किस तरीके से लिखते हो? कोई सपोज करो आपको रिएक्शन दे रखी है, ए बी आपकी सी में कन्वर्ट हो रही है, तो आप इसके लिए रेट कैसे लिखते हो? रेट इज इक्वल टू के एंड ये आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की टर्म लिखते हो, ये ए एंड ये बी एंड सी। बट यहाँ पर देखो आपको कॉन्सेंट्रेशन ही दे रखा, आपको पार्शियल प्रेशर दे रखा है, तो हमें पता है कि हम कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे पार्शियल प्रेशर को लिखना है। तो बस कुछ नहीं करना, आप लेट कर लो, जो NO है NO के लिए वैल्यू हम लेट कर लेते हैं M है एंड H2 के लिए वैल्यू हम लेट कर लेते हैं N है, इसकी पावर लेट करेंगे हम। तो देखो सेकंड रेट को हम फर्स्ट रेट से डिवाइड करेंगे, या फिर मैं बोलूं सेकंड ट्रायल को फर्स्ट ट्रायल से, यहाँ पर 1 कर लेना। तो आप इसकी वैल्यू रख के देखो, देखो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, NO की वैल्यू 400 है, यहाँ पर भी 400 है, सिमिलरली यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 200 है। जब आप इसे डिवाइड करोगे यहाँ से वैल्यू आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ओवरऑल ये तो बन जाएगा 1 एंड 1 रेशो दी पावर m, कुछ भी करो 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, 400 को 200 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा आपका 2 रेशो दी पावर है। सिमिलरली आप इसको डिवाइड कर देखना, ये आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 2 एंड 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू द पावर n, सो योर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से आपको क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। अब m की वैल्यू आप किस तरीके से निकालोगे, देखो यहाँ पर एक बार डाटा को देखो, ये आपका है, ये आपका फर्स्ट ट्रायल का डाटा है, ये सेकंड ट्रायल का है एंड ये थर्ड ट्रायल का है। हमने सेकंड को फर्स्ट से तो डिवाइड कर दिया, अब यहाँ पर देखो आप, अगर हम सेकंड को थर्ड से डिवाइड करेंगे तो ये देखो ये तो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, एन की वैल्यू तो आप निकाल चुके हो, तो यहाँ से एम की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना, सेम इसी फॉर्मूले में आप पुट करके देखना, जैसे ही पुट करके देखोगे सेकंड बाय थर्ड करोगे तो देखो ये तो आपका सेम था तो कैंसिल आउट हो जाएगा के से के, और यहाँ पर भी इसे डिवाइड करके देखोगे 2 रेस टू द पावर m एंड इसको भी आप डिवाइड करके देखना, इसकी वैल्यू आएगी 4, सो m की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2। सो योर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू n आपका क्या है, m क्या आएगा 2 आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एंड ऑप्शन सी क्या था, r इज इक्वल टू k पार्शियल प्रेशर ऑफ NO रेस टू द पावर 2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन टंगस्टन एट 850 डिग्री सेल्सियस हैज रेट कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आपको K की वैल्यू दे दी है 0.10 टोर पर सेकंड। इनिशियल रेट ऑफ अमोनिया इज 100 टोर, देन द प्रेशर ऑफ अमोनिया एट T इज इक्वल टू 200 सेकंड। आपको प्रेशर बताना है जब आपका टाइम 200 सेकंड है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको यूनिट्स दे रखी है टोर पर सेकंड, इसी को देखकर आप बता सकते हैं कि आपको कौन से ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है। अब हमें पता है, अगर देखो मोल पर लीटर रेस टू द पावर अगर 1 - n है एंड ये मैं पर सेकंड करूं, सो n की वैल्यू हम 0, 1, 2 पुट कर बता सकते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है कौन से ऑर्डर की है ना। अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी मोल पर लीटर एंड ये आएगा आपका पर सेकंड, ये होती है 0 ऑर्डर की रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर टोर है तो मोल पर लीटर को यहाँ रिप्लेस कर दिया है प्रेशर की यूनिट से, सो आपको जो क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन दे रखी है ये 0 ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तो कुछ नहीं करना, अब आपको पता है 0 ऑर्डर के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दो। NS3 की एट टाइम टी पर तो हमारे को प्रेशर निकालना ही है एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 दे रखी है, 0.1 के की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो इसे हम पुट करेंगे एंड वैल्यू निकल कर आएगी 82। सो आपका ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा करेक्ट, आंसर है 82। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, ये देखो ये आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, हाफ लाइफ बतानी है आपको। अब आपको पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए हाफ लाइफ आप कैसे कैलकुलेट करते हो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के।
अब आप कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर बस वैल्यूज को पुट करो एंड आपका टी हाफ आ जाएगा। के की वैल्यू दे रखी है 100, पुट करोगे तो आ जाएगा 6.93 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 सेकंड। सो योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज 5670 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स 200 mg ऑफ कार्बन 14 विल बी रिड्यूस टू 25। आपको बताना है कि कितने टाइम में आपका ये 200 mg या 25 mg में रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कौन से मेथड को अप्लाई करोगे? यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्रोच मेथड यूज करो टी हाफ निकालने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अब देखो 200 से 100 में हम जा सकते हैं। अब मैं लेट कर लेती हूँ, ये 0 और ये है 200। अगर आप इसका मीन निकालो तो कैसे निकालोगे? 0 प्लस 200 को डिवाइड करोगे 2 से, ये आएगा 100। क्या मैं 100 एंड अगेन 0 का मीन निकाल सकती हूँ? बिल्कुल, ये आपका आएगा 50 एंड देन अगेन 0 और 50 का आया 25। इसी तरीके से टी हाफ में अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर अप्रोक्सीमेटली डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं तो हम उसी मेथड को यूज करेंगे। तो देखो यहाँ से आप 200 में 100 एक बार गए, 200 से 100 एक बार, 100 से 50 एंड एक बार 50 से 25। तो कितने टाइम्स आपने ट्रैवल किया? 3 टाइम्स ट्रैवल किया। सो 3 इंटू टी हाफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। टी हाफ आपको गिवन है तो पुट करना, आंसर आएगा 17280 ईयर। सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, टी हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 231 मिनट्स। द टाइम टेकन फॉर 9/10 फ्रैक्शन ऑफ दिस एलिमेंट टू डिके इज अप्रोक्सीमेटली। देखो आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए टी हाफ दे रखा है एंड आपको बताना है कि जब इसका फ्रैक्शन 9/10 है वो कितना रिड्यूस हो जाएगा, कितने टाइम में होगा। और हमें जनरली पता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनका जब डिके होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर को ओबे करते हैं मैक्सिमम टाइम्स। कोई रेयर ही होंगे जो नहीं करते, बट मैक्सिमम टाइम्स हमें पता है कि वो फर्स्ट ऑर्डर को ही ओबे करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस यहाँ पुट करो टी हाफ की, आपको वैल्यू पता है क्या होती है 0.693 बाय के। यहाँ पर आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड टी हाफ गिवन है, यहाँ से आप के निकालोगे। एंड हम लेट कर लेते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारे को एक्स गिवन है। तो जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन 9/10 हो जाएगा तो रह कितनी जाएगी, यानी कि हमारी एट टाइम टी पर कितनी कॉन्सेंट्रेशन रह जाएगी। अब 9/10 ऑफ x है तो इसको x में से आप माइनस करना, तो ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी x/10। अब बस यहाँ पर इसे आप पुट कर दो, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले के अंदर a नॉट हम लेट करके चले हैं, x है, टाइम t पर हमारी x/10 रह जाएगी, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में आपने पुट करना है। पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा 767.67, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 770 मिनट्स। ये फॉर्मूला याद आपको कैसे रहेगा? देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2-3 फॉर्मूले हैं। अगर आपको a इज इक्वल्स टू a नॉट e रेज टू द पावर माइनस kt, ये फॉर्मूला याद है ना, तो आप इस फॉर्मूले तक डायरेक्ट पहुंच सकते हो। अब आप ये खुद से करके देखना कैसे होगा। बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोज मोस्ट कॉमनली बाय सेल डिवीजन, चेंज इन द पॉपुलेशन ड्यू टू सेल डिवीजन इन एक्टिवली ग्रोइंग कॉलोनी। ये आपको वैल्यू दे रखी है एंड आपको पॉपुलेशन बतानी है टाइम टी पर। कैसे करोगे? देखो जब टाइम टी 0 है तो एन की वैल्यू है एन नॉट, जब टाइम टी हो जाता है तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है एन। बस कुछ नहीं करना, अब आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है और आंसर आ जाएगा। dn इज इक्वल टू लैम्डा जी एन डी टी है, एन को यहाँ ले जाओ, जैसे ही लेके गए dn बाय n इज इक्वल टू लैम्डा जी डी टी है, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करो, लिमिट्स लगाओ n नॉट से n और यहाँ पर टाइम की लिमिट 0 से t। अब हमें पता है 1n का इंटीग्रेशन क्या होता है ln n, तो बस यहाँ पुट कर दो, लिमिट्स पुट करना यहाँ पर 0 से t। अब ln n माइनस ln नॉट, अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, ln n by n नॉट, यहाँ पर आएगा आपका लैम्डा जी टी, ln को यहाँ ले जाओ, या फिर मैं बोलूँ बोथ साइड एंटी लोग ले लेना, एंटी लोग जैसे ही लोगे ये वैल्यू आपकी आएगी ये, एंड n नॉट वहाँ चला जाएगा। सो n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू द पावर अल्फा जी टी। सो योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम बताना है। हमें पता है जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला ही होता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। जब हाफ लाइफ होगी तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी, बस उसे वहाँ पुट कर दो। जब टाइम टी हाफ था तो हम ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट बाई टू, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो गया, बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, ए नॉट बाई टू ए नॉट के इंटू टी हाफ। अब ए नॉट में से आप टी ए हाफ माइनस कर देना, वैल्यू निकल कर आएगी ये। सो योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कम्प्लीट 20% इन 10 मिनट्स। टाइम टेकन फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द रिएक्शन टू 75%, यानी कि जब आपकी रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाती है तो उसे कितना टाइम लगता है, आपको ये बताना है। तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला होता है ना, इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यूज को। हम ब्लेट करते हैं, जब हमारी रिएक्शन 20% कंप्लीट हो रही थी उस टाइम पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारी थी 100, तो 100 थी, एट टाइम टी पर कितनी रह जाएगी, 100 में से 20 माइनस कर दो यानी 80, तो यहाँ पर ए नोट की वैल्यू होगी 100 और एट टाइम टी पर कितनी होगी 20। इसी इक्वेशन में इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज को पुट करो, पुट करके आपकी के की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हमें पूछा कब था, जब हमारी 75% कंप्लीट हो जाती है,
यानी उस टाइम पर भी हम लेट कर लेते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी 100 और टाइम टी पर कितनी रहेगी 75% कंप्लीट हो गई, सिर्फ 25% रह गई। के की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर ली है, तो अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, उसी फॉर्मूले में के की वैल्यू को पुट करेंगे एंड टी हाफ की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अगेन आपने यही फॉर्मूला लगाया, सेम इसी फॉर्मूले को लगाकर सिर्फ आपको टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी 62 मिनट्स, योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर ए रिएक्शन एज फॉलो, ये आपको डाटा दे रखा है और आपको बताना है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अब ये आपको 350, 500, 200 इस तरीके से लिखा हुआ है, ना तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग, तो हम लेट कर लेते हैं इस टेबल को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमें देखकर पता लग रहा है जैसे बी नॉट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, आपकी टी हाफ की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता है कि टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, 0.693 बाय के, यानी कि टी हाफ तो आपका कांस्टेंट रहेगा, वो तो आपका बी नोट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर को तो ये रिएक्शन फॉलो नहीं करती, तो बी तो आपका होगा नहीं आंसर। अब जीरो ऑर्डर के लिए आपको पता है टी हाफ की वैल्यू क्या होती है, ए नोट बाय 2 के, यानी कि जैसे जैसे पी नोट की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे टी हाफ की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, तो जीरो ऑर्डर की भी रिएक्शन ये नहीं हो सकती। चलो हम चेक करते हैं एक बार के लिए सेकंड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए हमें फॉर्मूला पता है टी हाफ इंटू ए नोट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है। कोई भी दो वैल्यूज आप उठाकर देखो जो इक्वेशन में दे रखी है, अनपुट करके देखना, अगर वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही है तो ये आपकी सेकंड ऑर्डर को ओबे कर रही है। यहाँ पर हमने ट्रायल वन एंड ट्रायल टू के लिए चेक करके देखा, जैसे हमने वैल्यूज को पुट किया तो वैल्यूज इक्वल आ रही है, तो यानी कि सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब टू 50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इन 2000 सेकंड। ये टाइम दे दिया आपको, क्या निकालना है, रेट कॉन्स्टेंट निकालना, बहुत ईजी है। हमने पहले थोड़ी देर पहले जितने क्वेश्चन किए उसमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला पुट किया था उसे यहाँ पर पुट कर दो। ये आप पुट करोगे, जैसे ए नोट की वैल्यू आपको दे रखी है स्टार्टिंग में 800, देन आपको एट टाइम टी पर 50 दे रखी है, बस यहाँ से टाइम की भी वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, सो योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपकी फर्स्ट ईपी भी कंप्लीट होती है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर। एट दी एंड एक ही बात कहूंगी, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।